हमास में जारी जंग के बीच इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा किया है। इजराइल की सेना ने हमास नेता इस्माइल हनिया के घर पर हमले का दावा किया। दावा ये किया गया है कि इजराइल की वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने पूरी रात इस्माइल हनिया के घर और उसके आसपास के इलाकों में बम बरसाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, युद्ध के बीच इजराइल की सेना का जो बड़ा दावा सामने आया है उसमें ये कि पूरी रात बम और गोले बारूद बरसाए जाते रहे इस्माइल हनिया के घर पर, जो कि हमास का नेता है और ये ऑपरेशन को लीड करता है। इसराइल के डिफेंस फोर्स हमास के अड्डों को निशाना बना रही है, वहीं दूसरी तरफ हमास के आतंकी ने इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्टिंग के दौरान ही हमास ने इसराइल पर रॉकेट से वार किया जिसे आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। गाजा बॉर्डर से देखिए न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते, धुआं आप देख सकते, लगातार एक के बाद हमला किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। पहले हमास की तरफ से पहले रॉकेट दागे गए और उन रॉकेट का जवाब आयरन डोम के इंटरसेप्टर ने पहले इंटरसेप्ट किया रॉकेट को, और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं आसमान में धुआं। न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले सायरन बजा हमास की तरफ से, रॉकेट दागे गए इजराइल की तरफ, लेकिन उसके बाद आयरन डोम ने तमाम रॉकेट को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही उड़ा दिया। तो इस तरह से गाजा बॉर्डर की तस्वीरें, न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तमाम ये जो यहाँ जैसे ही सायरन बजा, तमाम लोगों ने गाड़ियां अपनी रोक दी और यहाँ से अपने आप को बचाने की कोशिश पहले किया, लेकिन इस वक्त भी आसमान में धुआं आपको दिख रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और वहां से आपको बता दे ये जो लोकेशन यहाँ दूर में आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का धुआं, वहां से आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करके हमास के मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर दिया। उत्तरी गाजा में इसराइल ने जंग तेज कर दी है। गाजा के इस इलाके में ऑपरेशन जारी है। न्यूज 18 के कैमरे पर अटैक की लाइव तस्वीरें कैद हुई, वो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। उत्तरी गाजा में कैसे एक के बाद एक लोकेशन को टारगेट किया जा रहा है, ये देखिए लाइटनिंग की गई है। ये बड़ा लाइट उस लोकेशन के ऊपर फेंका गया और नीचे से आपको शोले बरसाए जा रहे हो। उस लाइटनिंग के पोजीशन पे एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, हवाई हमला किया जा रहा है और वहाँ लाइटनिंग की गई है। ये दूसरा लोकेशन है, ऊपर से आपको देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, एक के बाद एक हमले किया जा रहा है, हवाई हमला किया जा रहा है उन लोकेशन पे जहाँ हमास का आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नीचे से आपको चमक दिखाई दे रही है इस लाइटनिंग वाले लोकेशन के नीचे। इस तरह से आर्मी की स्ट्रेटजी होती है कि जहां हमला करना है वहां पहले लाइटनिंग फ्लेयर अप किया जाए और उसके नीचे बीच बीच में आपको दिखेंगे कई शोले अभी हमें गिरते हुए दिखे हैं, कई हमले वहां किए गए हैं, लेकिन उस लोकेशन को इंडिकेट करके वहां हमला किया जा रहा है। तो ये उत्तर गाजा का इलाका है। उत्तर गाजा में भी उत्तरी सीमा जो कि इसराइल से बिल्कुल सटी हुई है और ये अभी फ्लेयर अप खत्म हुआ, वहाँ एक के बाद एक शोले बरसाए गए, लेकिन कैसे पूरे उत्तर गाजा के इलाके में आईडीएफ की तरफ से हमला किया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं हर इलाके की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच घंटों मुलाकात हुई है, लेकिन इस दौरान भी बात बनती नजर नहीं आई। जो बाइडेन ने पहले मुलाकात को सार्थक बताया था, लेकिन बाद में जो स्थिति रही वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मुलाकात के कुछ घंटों बाद क्या बातें बदली, मुलाकात के बाद जो बाइडेन के सुर बदल चुके हैं। बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कह दिया, यानी ये बात बनी नहीं है बल्कि बिगड़ चुकी है। चीन की सरकार अमेरिका की सरकार से बिल्कुल अलग है, ये किसका कहना है, ये जो बाइडेन का कहना है। इस मुलाकात के बाद प्रतिस्पर्धा कहीं संघर्ष में ना बदल जाए, ये भी संकेत दिए हैं जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से जब उनकी मुलाकात हुई है। तो बातचीत के बाद क्यों सुर बदले हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त कुछ ऐसे मसलों पे बात हुई जहां पे सहमति इन दोनों के बीच में बन नहीं पाई है और सहमति इस कदर नहीं बनी है कि सीधे कहा गया है कि तानाशाह है शी जिनपिंग। इसराइल गाजा बॉर्डर पर लगातार सायरन बज रहे हैं और हमास की तरफ से रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। मफ्सलीम बॉर्डर इलाके में हवाई हमले का सायरन बजते ही वीवीआईपी और मिलिट्री की गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां मौजूद रही। उस दौरान हालात कैसे थे देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लगातार देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैमरा पर्सन करम सिंह और हम आपको वो पहुंचा रहे। सबने अपनी पोजिशनिंग ले ली है, आईडीएफ के जवानों ने
और किस तरह का माहौल है यहाँ गाजा बॉर्डर पे। सारे लोग उतर गए हैं अपनी गाड़ियों से और अब शायद अपने आप को संभालते हुए सब लोग। न्यूज 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें करम सिंह ने इस वक्त आपको पहुंचाई है, कैसे लोगों ने पहले पोजीशनिंग ली, आर्मी के जवानों ने पोजीशनिंग ली। न्यूज 18 इंडिया आपको टैंक की के गोले की तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन तमाम लोग यहाँ आप देख सकते हैं, IDF के तमाम जवान हैं यहाँ, स्पेशल यूनिट के तमाम जवान हैं और न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में वो तमाम वाकया कैद हुआ जो आपको यहाँ की स्थिति बयां कर सकता है। रॉकेट का अलर्ट आया, उसके बाद सभी लोगों ने अपनी पोजीशनिंग ले ली, लेकिन माहौल क्या है, किस तरह के जोन से न्यूज 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है वो आपको यहाँ देखकर लग सकता है। गाजा पट्टी पर इसराइल का हमला इस वक्त जारी है। दक्षिण गाजा में इसराइल की सेना ने बड़ा हमला बोल दिया है। इस हवाई हमले में गाजा में बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। IDF के हवाई हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार नजर आया। ये धुएं के गुबार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले और इसमें कई नागरिकों की जान जाने की भी खबर। IDF के हवाई हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया, धुएं का गुबार ये आसमान में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि IDF की पूरी कोशिश है अगर हमास सरेंडर नहीं करता, बंदकों को छोड़ता नहीं है, तब तक ये उनके खात्मे तक ये जारी रहने वाला है युद्ध। इसराइल गाजा बॉर्डर पर लगातार चौकसी बरती जा रही है। इसराइल की सेना के टैंक और IDF के जवान मोर्चे पर तैनात हैं। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर नीरज कुमार ने वॉर जोन से जाबाज रिपोर्टिंग की और एक्टिव वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त आपको हम दिखाते हैं उनकी। लगातार अटैक के बाद जो गाड़ियां आगे जा रही थी वो बैक हो रही है, देख सकते हैं बहुत देर से ये ट्रैफिक रुका हुआ था, लेकिन ये गाड़ियां बैक की जा रही है क्योंकि ये जो जोन है बहुत एक्टिव वॉर जोन में तब्दील हो गया। लगातार तोप और टैंक से हमले किए जा रहे हैं और एक के बाद एक गाड़ियां, तमाम गाड़ियां जो हैं हमें मुड़ती हुई दिख रही हैं, उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, न्यूज 18 इंडिया इस वक्त उस इलाके में मौजूद है जो कि बिल्कुल एक्टिव वॉर जोन के में तब्दील हो गया है। ये जो बस थी इससे आगे जाना था, देखिए शायद ये भी यूटर्न लेगी और ये पूरा एरिया अब एक्टिव वॉर जोन में तब्दील हो गया, तमाम गाड़ियां जो हैं यूटर्न ले रही है। न्यूज 18 इंडिया आपको एक्टिव वॉर जोन से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार धमाके की आवाज हो रही है, तोप और टैंक से गोले छोड़े जा रहे हैं गाजा सीमा के अंदर। बिल्कुल हम लोग कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और क्या यहाँ माहौल है, ये जो एरिया है एक्टिव वॉर जोन हो गया है और अब शायद ये जो मिलिट्री की गाड़ी है शायद इन्हें आगे जाएगी। देखिए रुके हैं और बिल्कुल ये परमिशन लेंगे, आगे जाएंगे शायद। बाकी गाड़ियां जो हैं यहां से मूव बैक कर गई हैं, पीछे हट गई हैं, लेकिन आपको न्यूज 18 इंडिया वो तस्वीरें दिखा रहा था जो कि अचानक से ये पूरा का पूरा इलाका एक्टिव वॉर जोन में तब्दील हो गया।